प्रो मैंने ब्लॉगर अच्छी व्लॉगिंग की एक्चुअली, आई एम जस्ट लर्निंग इट, और मैं करण से काफी अच्छी प्रो व्लॉगिंग करने लगी हूँ. तो अभी हमारा कुछ ऐसा प्लान है कि हम लोग नहाने जा रहे हैं. हम सब एक साथ नहाने जा रहे हैं. बहुत अच्छी फ्रेंड है. अंजलि ने मंगवाया है कुछ बकलावा बॉक्स ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता. अंजलि ये है क्या? एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम देख रही थी, मुझे इसकी फोटो बहुत अच्छी लगी तो फिर मैंने मंगवा लिया. अरे है क्या मीठा होता है? खेलने की चीजें क्या है? नहीं मीठा होता है कुछ, टर्किश डिश है ऐसे मैंने सुना था. कोलकाता से मंगवाई तूने? ठीक है चलो खोल के देखते क्या चीज मंगवाई कोलकाता से जो यहाँ ग्वालियर में नहीं मिल सकती. हमारे खाने की नहीं खानी है, वापस ले जाऊंगी डब्बा. वो तो मुझे पता है तुम अपने लिए मंगवाई है. नहीं कैमरामैन शूट ही नहीं करेगा तो तू काटेगा क्या? नहीं मैं तुझे वही बोला, मुझे पता है तूने अपने लिए मंगवाई है, सिर्फ तू खुलवाना मुझसे चाहती सबके सामने ताकि तेरा नाम ना. ये इंसान है ना, ये इंसान ये सब खाता है पर चुगलियां सारी मेरी होती है. हर दुनिया भर में मेरी इसने थू थू करा रखी है. तूने अपनी थू थू करवा रखी है? दादा थू थू मत करी, बाहर निकाल के दलदल कर दूंगी. लिया है बट अंजलि को पता नहीं है कि ये कैसे खाना है, गर्म करके खाना है या फिर नॉर्मली खाना है. तो ऐसे ही टेस्ट कर रहे हैं हम लोग और ऐसी कुछ चीज़ आती है. दो तीन टाइप के अलग अलग है. अंजलि अगर दिखाना चाहती क्लोजली. अब हमें पता नहीं है, लेट्स सी टेस्ट करते हैं. सच्ची अच्छा है, हूँ ऐसे ही कर रहा है. अच्छा ये ले. पर्दे के पीछे कैमरामैन खाते हुए. अच्छा है ना, घी वाला है. यम है, बहुत यम है. यम है. बाय बाय कर दो फिर खा लेते पहले. ठीक है हम खा लेते हैं. बाय बाय. सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. आज है सैटरडे और मेरा एक दो काम है भी गांधीनगर में, तो मैं जा रहा हूँ. तो मैंने सोचा था आज मोटो व्लॉगिंग की जाए. लास्ट मोटो व्लॉगिंग मैंने 2020 में की थी और मैंने आपको बोला था कि काफ़ी सारे मोटो व्लॉग्स है वो आने वाले हैं. बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही है लॉकडाउन लग गया, सेकेंड वेव आ गई, कहाँ कहीं पर भी हम लोग जहाँ भी गए दूर गए तो बाइक लेके जा नहीं सकते क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई बाइक नहीं है जिसे मैं लेके लॉन्ग डिस्टेंस पर जा सकूँ. आई हैव ओनली एक्टिवा, तो वहाँ तो मैं सिटी के अंदर ही जा सकता हूँ. तो मैंने सोचा कि अभी वेदर अच्छा है, लेट्स होप कि बारिश ना हो, और वेदर अच्छा है तो मैंने सोचा कि मोटो व्लॉग कर लेते हैं. आज एक पौने घंटे का मेरा काम है तो वो भी हो जाएगा, मोटो व्लॉगिंग भी हो जाएगी. इतने दिनों से बात चला रही थी, इसलिए स्टार्ट होने में भी टाइम ले रही है. अब मुझे पता चला कि मैं मोटो व्लॉगिंग क्यों नहीं करता था इतनी, बिकॉज़ ये जो हेलमेट का सेटअप है वो बहुत ही हैवी है. वेदर है वो बहुत ही अच्छा है, बादल दिख रहे हैं पूरे आसमान में. लेट्स होप कि ये ऐसा ही रहे, बिकॉज़ अगर बारिश हो गई तो इसे वेदर प्रूफ नहीं किया गोप्रो को, कहीं से भी मैंने सील नहीं किया है. सो ये वाटर प्रूफ नहीं है, वैसे तो वाटर प्रूफ ही होता है गोप्रो. एक चीज़ गांधीनगर की जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कंपेयर टू अहमदाबाद, इसकी यहाँ पे जो रोड है वो बहुत लंबी लंबी है, 3 लेन रोड्स है दोनों तरफ और आसपास बहुत ही मस्त ग्रीनरी है. तो क्या होता है ना कि ट्रैफिक आपको होता है बट इतना ट्रैफिक लगता नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी रोड्स है तो आराम से ट्रैफिक हैंडल हो जाता है. मतलब लोग मोटो व्लॉगिंग करते हैं कावासाकी ZX10R पे, हायाबुसा पे, H2 पे और या BMW GS 1250 पे, और हम लोग मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं अपनी एक्टिवा पे.
बहुत सही एकदम, मतलब ये लोएस्ट लेवल है मोटो व्लॉगिंग का इफ़ यू आस्क मी। इससे नीचे मोटो व्लॉगिंग तो मुझे लगता है आप साइकिल पे कर सकते हो, और वो भी आप तो लोग इलेक्ट्रिक साइकिल्स ले रहे हैं। मैं काफ़ी सारे व्लॉग्स देख रहा हूँ, 1.5 लाख की 2 लाख की इलेक्ट्रिक साइकिल्स ले रहे हैं, तो वो अभी एक्टिवा से भी महंगी है। सो यस, दिस इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ मोटो व्लॉगिंग दैट यू कैन डू इन इंडिया राइट नाउ। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आज के व्लॉग में। करण ने इंट्रोडक्शन तो आई गेस दे ही चुका है, तो आप मुझे देखिए डरिए मत। ये मेरा सैटरडे संडे का थोड़ा सा रूटीन है, मैं ट्राई कर लेती थोड़ा फेस पे पिंपल्स है कुछ भी हो तो चले जाते हैं एक्चुअली। खैर, फेस मास्क क्यों यूज़ करते हैं सबको पता होगा। तो करण क्या है, जैसे कि उसको गैस वैस का थोड़ा सा काम था, और मेरा सारा काम खत्म हो गया है, काम वाली सारा काम करके चली गई है। मेरे को साफ सफाई करनी होती है, वो मैंने कर ली है। अब मैं चाह रही हूँ नहाने, उसके बाद मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, मेरी बेस्ट फ्रेंड आने वाली है दीपिका, तो हम लोग जाएंगे शॉपिंग के लिए। एक्चुअली उसकी शादी है, तो मैंने अच्छा प्लान कर रखा है उसके लिए रात का कुछ, और उसको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, तो हम लोग जाएंगे अभी फिर उसके साथ शॉपिंग करने के लिए। और देखती हूँ मैं भी अपने लिए शायद कुछ लेके आया थोड़ा बहुत। एक्चुअली करण क्लिप देख लेगा, और मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे जो बोलना बंद करना है। अगर आप काउंट दे सकते हैं मैंने कितनी बार इस पूरे व्लॉग में एक्चुअली कहा है, तो आप प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो। तो मैं इसको बोलना जल्दी छोड़ने के मूड में हूँ, क्योंकि एक्चुअली बहुत मेरे मुँह से निकल रहा है, और मैंने बहुत बकवास कर ली है अभी। तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, आपसे मिलती हूँ नहा धो के मस्त रेडी होके। ठीक है, अब बाय। हम पहुंच गए GIDC गांधीनगर सेक्टर 28, और ये जो आप होंडा का शोरूम देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं आता हूँ सर्विस करवाने के लिए। कुछ 11-12 किलोमीटर्स होता है मेरे घर से, और उसके पीछे ही है गैस एजेंसी जहाँ पे मुझे गैस का थोड़ा सा काम है। होप्सो कि आज हो जाए। यहाँ पे शोरूम काफ़ी अच्छा, ये है टाटा मोटर्स। मुझे टाटा मोटर्स की सर्विस के लिए भी पूछना था, ऐसा हुआ तो आज यहाँ से पूछता हुआ ही जाऊँगा। और आ गया अपना इंडेन का ये, तो मैं काम करता हूँ, अंदर चलता हूँ और देख लेता हूँ कि होगा या नहीं अपना काम। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह के बज रहे हैं 11:30, और करण काफी देर से बाहर गया हुआ है। आई गेस उसको 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया है, उसका थोड़ा सा काम था, और उसने आपको आई गेस सुबह बता ही दिया होगा कि वो मोटो व्लॉगिंग करने के लिए जा रहा है मुझे छोड़ के। तो मैंने ये कहा था कि मेरे को नहीं जाना है मोटो व्लॉगिंग के लिए, बिकॉज वो बोरिंग होती है। हम लोग कहीं जा भी नहीं, और गैस के लिए जा रहे थे, उसमें मोटो व्लॉगिंग मुझे नहीं जाना था उसका। तो आई थिंक मैंने बकवास कर लिया ज्यादा ही। मैं वेट कर रही हूँ अपनी फ्रेंड दीपिका का, वो आने वाली है थोड़ी देर में, और हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं उसकी। द थिंग इज कि मैं भी थोड़ी सी शॉपिंग करने की प्लान में हूँ, बट अगर करण को पता लग गया तो वो लिटरली मुझे गोली मार देगा इस बार, बिकॉज मैंने लास्ट 10 डेज में काफ़ी शॉपिंग कर चुकी है, स्पेशली नाइट ड्रेस के लिए। तो देखती हूँ, मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो मैं भी अपने लिए पिक कर लूँगी। मोटो व्लॉगिंग करते हैं तो इतना बड़ा सेटअप जब हेलमेट पर देखते हैं ना लोग, तो मुड़ मुड़ के देखते हैं, कार में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, जो भी लोग जा रहे हैं आसपास से निकल रहे हैं, जितने भी लोग सब मुड़ मुड़ के घूम रहे हैं, पता नहीं क्या ही लगा के घूम रहा हूँ मैं। Later. तो दोस्तों बज गए हैं शाम के, कितने बजे करण? 6:10 बज गए हैं, और हमने बहुत अच्छी शॉपिंग कर ली है। मैंने बिल्कुल अपने लिए कुछ नहीं खरीदा है, मैंने मेरी तरफ से मैंने दीपिका को बहुत अच्छा कुछ दिलवाया है, तो वो याद रख सके, ऐसी थोड़ी सौगात दी है दीपिका, सौगात दी है ना मैंने तेरे को मस्त। तो आप मिल सकते हैं, मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड, बहुत ज्यादा ही बेस्ट फ्रेंड से मिल सकते हैं आप, जिसको कल गालियां दे रही थी। हाय, और मैं हूँ अंजलि की बहुत बहुत अच्छी वाली बेस्ट फ्रेंड, जिसको कल गालियां पड़ रही थी, ऐसा करण बता रहा है। मेरा पति झूठा है, वो सबको पता है। दीपिका जब आई 11:30 बजे, वो बाहर से खटखटा रही थी और बैल बजा रही थी, अंजलि यहाँ पे बैठी, मेरे बाजू बोल रही काम कर 10-15 मिनट खोलना मत, अपने आप चली जाएगी वापस। इसका मतलब ये बात तो सच निकली जब ब्लॉग में बता रहा है, झूठ बोल रहा है वो, झूठ पूछना बोल रहा है। 15 मिनट से बेचारी बाहर से 5 मिनट से खटखटा रही है, मुझे बोल रही आवाज मत कर, ऐसे बैठ रहे, उसे लगे कोई है नहीं, वापस चली जाएगी। बताओ ये ऐसी ऐसी बेस्ट फ्रेंड है तेरी। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने दीपिका को क्या दिया अपनी तरफ से, और दो क्यूट क्यूट सी चीजें हैं, क्या दीपिका आप दिखाना चाहेंगी?
ये है जो अंजलि ने पसंद किया है, ये सब उसी की पसंद है। और एक क्यूट है यार ये अंजलि की तरफ से, ये मार्केटिंग करते हुए। और ये है थोड़ा सा बड़ा जो आप ले सकते हो, ये भी उसने दिया है। और ये भी उसी की ही चॉइस है, मैंने सोचा उसकी पसंद के ही ले लूं जब वही गिफ्ट दे रही है। तो ये आप देख सकते हो थोड़ा अपने, तुझे पसंद नहीं आया क्या? मुझे लगा अभी कैमरे के ऊपर बैठ जाए। इतना नजदीक लेके जा मैं तो दिखा रही हूँ ना, क्लोज व्यू चाहिए तो मैं थोड़ा पास कर देती हूँ। हाँ देखो ना क्लोज व्यू, वो खुद ही पास कर दिया, मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी वो सेटिंग। तो ये दो चीज है जो हम लोग लेके आए हैं, बाकी चीज इन्फॉर्मेशन आपको अंजलि दे देगी। तो अभी हमारा ऐसा प्लान है कि हम थोड़ा फ्रेश हो रहे, बिकॉज बाहर से बहुत गर्मी में आए हम लोग, बाहर से बहुत गर्मी में हम लोग, ऐसा कुछ बोला ना ठीक है। मुझे बोल रही थी इसका टाइटल हम रखेंगे प्रो प्रो व्लॉगर। मैंने अच्छी व्लॉगिंग की एक्चुअली, आई एम जस्ट लर्निंग इट, और मैं करण से काफी अच्छी प्रो व्लॉगिंग करने लगी हूँ। तो अभी हमारा कुछ ऐसा प्लान है कि हम लोग नहाने जा रहे हैं, हम सब एक साथ नहाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी फ्रेंड है नहीं हम मतलब मैं नहाने जाने वाली, मुझे दोनों का नहीं पता बिल्कुल। अब पता चल रहा है बहुत ज्यादा धूप में ये लोग आए। एक्चुअली फैन बंद करके व्लॉगिंग कर रहे थे, इसीलिए तो मैंने ये फैन ऑन कर दिया है। अब थोड़ा दिमाग तेरा चल यार, बहुत गर्मी है मेरे को बहुत, जब गर्मी होती है मैं आई थिंक अपना दिमाग का हाल खो देती हूँ। अब जब गर्मी नहीं होती तब भी ऐसा हाल होता है, सोचो गर्मी में तो क्या हाल होगा।